फार्म का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हार्टलाइन आपकी ना तो जुपिटर के माउंट से इनिशिएट हुई है ना ही सैटर्न के माउंट से, ये मध्य से है तो दोनों के गुण हैं, पैसा हो या फैमिली हो दोनों बराबर से महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। हार्टलाइन पे कहीं कहीं दबाव की स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है। हार्टलाइन पे बन रही दबाव की स्थिति आपके निजी जीवन में समस्याओं के बारे में बताता है। हथेली में बंधन योग कुछ वक्त तक चला है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता यदि मिल जाती है तो वो आपकी काबिलियत से बहुत कम होती है। इसके साथ ही ये आपके जीवन में कठिनाई को बढ़ावा देता है, आपके आत्मविश्वास में कमी लेकर के आता है। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। जुपिटर के माउंट से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है ये सकारात्मक बदलाव होता है, ये अच्छा चेंज होता है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी काबिलियत का सही से अंदाज़ा लगा पाते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि इनके अंदर की काबिलियत क्या है, क्षमता क्या है और इन्हें किस क्षेत्र की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी काबिलियत के अनुसार अपने फील्ड का चुनाव करते हैं तो कम मेहनत में आपको सफलता अधिक मिल जाती है। तो फील्ड का चुनाव इन्होंने बिल्कुल सही किया है। प्रॉब्लम क्या है, जुपिटर से इनिशिएट होने के बावजूद भी लगातार आपके माइंड लाइन पे दबाव की स्थिति बन रही है। ये दबाव की स्थिति बननी स्टार्ट हुई है तकरीबन दूसरी पीक में, देखते हैं। थर्टी टू थर्टी थ्री के लगभग से और 32 से लेकर के 37 तक ये दबाव की स्थिति कायम है। बीच बीच में छोटी छोटी सफलताएं भी आपको मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से सफलता है ही नहीं, छोटी छोटी सफलताएं भी मिल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन 37.5 के लगभग एक बड़ा चेंज आएगा और उसके बाद आपने अपने आप से जितनी भी उम्मीदें रखी हैं, आप जिस तरह की सफलता चाहती हैं बिल्कुल वैसी ही सफलता आपको आगे मिलती हुई दिख रही है। क्योंकि यदि आपकी माइंड लाइन पे दबाव की स्थिति नहीं बन रही, आपकी माइंड लाइन एकदम से स्मूथली आगे बढ़ रही है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बताता है कि आप अपने काम से संतुष्ट हैं, आप अपने प्रोफेशन से संतुष्ट हैं। और इंसान संतुष्ट तभी होता है, सेटिस्फाइड तभी होता है जब उसे सफलता अपनी पसंद की मिलती है। तो बिल्कुल 37.5 कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी। हो सकता है आप अपना बिजनेस इनिशिएट करें सेज में, या ये भी हो सकता है कि यदि आप जॉब में हैं तो फिर आपको कोई बहुत बड़ी सफलता उस जॉब में ही मिल जाए। लेकिन जो भी चेंज आएगा बहुत अच्छा चेंज आएगा 37 के लगभग। माइंड लाइन आपकी काफ़ी बड़ी है, इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। और माइंड लाइन जब आपकी एकदम से स्ट्रेट होती है ये आपके अंदर तानाशाही रवैये को थोड़ा सा बढ़ा देता है। लाइफ लाइन जुपिटर से इनिशिएट होती है ये आपके अंदर की पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है, और जब आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है तब आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं वो लगभग पूरी हो जाती हैं। इसीलिए जुपिटर के माउंट से लाइफलाइन का इनिशिएट होना आपके मन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करवाता है। आपने अपनी हथेली की जितनी भी पिक भेजी मुझे एक भी पिक ऐसी नहीं लगी जिसको देख करके मैं ये कह पाऊँ कि हाँ अब ठीक है, ये ठीक है, नहीं एक भी पिक नहीं है। सभी में खामियाँ हैं, एक तो सभी पिक थोड़ी सी ब्लर है, और होता ये है क्योंकि हमारे पास तो साधन एक ही है, आपके हाथ की फ़ोटो को देख करके हम आपके भविष्य के बारे में बताते हैं, और वही फ़ोटो यदि ब्लर हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति असहज महसूस करेगा। तो एनालिसिस करते वक्त मुझे उतना अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मेरे पास मेरी पसंद की पिक नहीं आती है एनालिसिस के लिए तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि खामियाँ हैं। और मैंने बार बार आपसे पिक मांगी भी, आपने कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग हैं, और पास्ट में भी मैंने देखा है जब मैं एनालिसिस से पहले पिक मांगती वो नहीं भेज पाते हैं, और एनालिसिस के बाद लगातार 50 पिक 60 पिक एकदम फ्रेश क्लीन भेज देते हैं। उससे क्या फ़ायदा, जब आप एनालिसिस करवाने आते हैं आपको सैंपल पिक भेजा जाता है, उस सैंपल पिक को ध्यान से देखिए। मैंने लगातार कहा कि ब्लर है, लेकिन
फिर भी पिक नहीं आया मेरे हिसाब से, और एनालिसिस करना है क्योंकि कहीं ये ना लगे कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, इसलिए मैं एनालिसिस कर रही हूँ। लेकिन हो सके तो सिर्फ एक या दो पिक फ्रेश आप भेज दीजिएगा। एनालिसिस के बाद यदि मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ छूटा है तो मैं बता दूँगी। जैसे कि आपने बताया कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा काम आए, कोई ऐसा फाइल आ जाए, वो फाइल उस काम को आपको ही करना है, और उस फाइल में मैक्सिमम जो लिखावट है वो टूटी फूटी हो, एकदम से ब्लर हो, तो कैसे आपको समझ में ही नहीं आएगा, है ना, कि काम क्या करना है, कैसे करना है। तो वही होता है जब हमारे पास हाथ आता है और हथेली की पिक ही सही नहीं है, तो फिर एनालिसिस कैसे हो पाएगा बेहतर। तो वहाँ पे दिमाग, एक तो दिमाग अधिक लगाना होता है बिना मतलब का, जो कि सहूलियत से काम हो जाएगा और काफ़ी कुछ मिस हो जाता है। इसीलिए एनालिसिस के बाद हो सके तो अच्छी पिक आप भेज दीजिएगा। लाइफलाइन के एंड पे यदि फिश की आकृति बनती है और वो भी क्लियरली बनती है, तो ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो या तो फॉरेन में जाकर के हमेशा के लिए वहीं पे सेटल हो जाते हैं या फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते हैं। केतु के माउंट पे मूल के साइन का पाया जाना अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये आपके भाग्य को अचानक परिवर्तित करता है। लेकिन निगेटिव भी होता है, क्योंकि आपके बचपन की जो यादें हैं उसको अच्छी नहीं रहने देता, यानी बचपन में कई तरह की समस्याओं से आपको जूझना होता है। युवावस्था आपका संघर्ष में बीतता है, सफलता आपको देरी से मिलती है, 30-35 के बाद ही मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती है आपकी काबिलियत के हिसाब से। और केतु के माउंट पे जब केतु आपके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, तब ये आपके भाग्य को बहुत एकदम से क्विक चेंज लाते हैं आपके जीवन में। और ये क्विक चेंज आपको देखने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत जल्द मिलेगा, 35 के बाद ही मिलता है, उससे पहले तो किसी भी काम में आप जाइए आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है किस छोटी से छोटी सफलता को पाने के लिए। मतलब ये हुआ कि आपको पहले तराशता है बहुत अच्छे से 35 तक, उसके बाद सफलता देता है, अचानक देता है। अभी भले आपकी कमाई हज़ारों में हो, लेकिन अचानक से लाखों में हो जाएगी या उससे भी ज़्यादा। लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है विनस माउंट से, या स्टार्ट हुई है कह सकते हैं कि मून माउंट से। मून माउंट से जब आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों को, बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग, रिलेटिव इनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते, यहाँ पे दोनों बातें लागू होती हैं। और इनसे जलने वालों की तादाद बहुत होती है, खासकर कि इनके मतलब वैसे लोग जो इन्हें बचपन से जानते हैं, यानी इनके रिलेटिव हो या इनके कुछ ऐसे पड़ोसी हो जिनके साथ इनका कनेक्शन इनके बचपन से काफ़ी अच्छा रहा है, वो इनसे बहुत जलते हैं। ये भी कह सकते हैं कि जिनके करीब आप ज़्यादा जाएंगे वो आपसे उतना ही ज़्यादा जलेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और कोई भी प्लानिंग यदि आप अपने भविष्य के लिए करते हैं, कोई भी प्लानिंग हो, तो जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो जाए, जब तक आप उस काम को इनिशिएट ना कर दें, उसकी जानकारी किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि यदि आप उस जानकारी को किसी के साथ साझा कर लेती हैं तो उस काम में देरी हो सकती है। इसकी एक शाखा यानी विनस माउंट से एक शाखा करके आपके लक लाइन के साथ अडस्ट हुई है। जब विनस माउंट से या तो आपकी लक लाइन स्टार्ट हो या मेन लक लाइन से आकर के कोई भी लाइन, कोई भी ब्रांच अटैच हो जाए विनस माउंट से, ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद होता है। उंगलियां जब हथेली से बड़ी हो जाती हैं, ये भी थोड़ा सा आप मतलब मानिए इस बात को, पलमिस्ट्री कोई ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से वो बाबा वाला ज्ञान नहीं है, साइंस है। उंगलियां जब आपकी बड़ी हो जाती है आपकी हथेली से, ऐसे लोगों को पैसे कमाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी होती है, बहुत संघर्ष करना होता है। और स्टार्टिंग युवा अवस्था में, बार बार कह रही 35 तक तो बहुत स्ट्रगल होता है, 35 के बाद ही लाइफ स्ट्रगल होती है ऐसे लोगों की। और होता क्या है कि ये थोड़े से ये लापरवाह होते हैं, तो लापरवाही की वजह से भी कह सकते हैं आप, क्योंकि लाइफ को लेकर के सीरियस नहीं हो पाते हैं, सीरियस होने में लंबा वक्त लग जाता है, इस वजह से भी स्ट्रगल थोड़ा लंबा होता है इनका। आपके फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, चाहे आप अपने हस्बैंड की वजह से फॉरेन सेटलमेंट लें या अपने बच्चों की वजह से, लेकिन विदेश में जाकर के बसने का यदि आपका सपना है तो वो 100% आपका साकार होने वाला है, क्योंकि आपके हाथ पे साइन काफ़ी स्ट्रांग है। यदि कोई भी लाइन मर्क्यूरी के माउंट से आकर के सन माउंट के साथ अटैच हो जाती है, ऐसे लोगों के पास फॉरेन कंट्रीज से पैसे आते हैं, विदेशी धरती से धन का आगमन होता है, और फॉरेन जाने के कई मौके इनके भाग्य में होते हैं।
विदेश घूमने फिरने का, विदेश में जाकर के सेटलमेंट लेने के कई मौके आते हैं इनके जीवन में। अंगूठे का ये वाला पार्ट बाहर की तरफ यदि निकल रहा है, ऐसे लोग अति बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। दिमाग से जुड़ा जितना भी काम होता है, जहाँ दिमाग के बल पर आगे बढ़ना होता है, बिजनेस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, बहुत सफलता पाते हैं। अंगूठा पीछे की तरफ हल्का सा बैंड हो गया है, ये आपके अंदर के मिलनसार स्वभाव के बारे में बताता है। आप मतलब राह चलते दोस्त बनाने वालों में से हैं। फॉरेन सेटलमेंट के पूरे चांसेस हैं आपके। ये मैं कह सकती हूँ कि आप हमेशा वहीं पर जाकर के नहीं बसेंगी, लेकिन कुछ वक्त विदेश में जाकर के रहने के 100% चांसेस हैं आपके। आपकी जुपिटर की फिंगर बड़ी है रिंग फिंगर से। जुपिटर की फिंगर जब बड़ी होती है तो ये आपके ज्ञान को बढ़ाती है। बहुत ज्ञानी होते हैं ये लोग, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऐसे लोगों के अंदर ईगो बहुत होता है, इनका ईगो बहुत जल्द हर्ट हो जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति हो इनके सामने आकर के इनसे 2-3 डिस्कशन कर ले, कभी भी ट्राई करके देखिएगा, ये दोबारा कभी इनसे उनका उनकी शक्ल देखना तक पसंद नहीं करते हैं। दुश्मन बहुत जल्द बना लेते हैं, कोई भी इनके सामने इनकी बात को काटे या फिर होता है ना इग्नोर कर दे, ये कुछ भी कह रहे हैं इग्नोर मार के वहाँ से निकल जाए, तो इनको ऐसा लगता है कि इनका ज्ञान हर्ट हो गया, वहाँ पे इनके नॉलेज को उसने चैलेंज कर लिया। और इस वजह से क्या है कि दोस्त आप जल्द बना लेते हैं बट कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं उससे, उस दोस्ती को आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ईगो होता है ना कि दोस्ती में इंसान सामने वाला आपको नहीं समझेगा, अपने उनको जो कहना है वो कहेगा, तो आपके अंदर बर्दाश्त करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। लेकिन ज्ञानी बहुत होते हैं, इसका ये सकारात्मक रूप अगर आप देखें तो बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत ज़्यादा। आप इस ज्ञान का इस्तेमाल वर्क के तरफ कीजिए और ईगो को थोड़ा सा कम कर लीजिए, बहुत सफलता पाएंगे। डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पाता है आपसे, आप कोई टाइम यदि बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, तो वो फिर आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, है ना। टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है, मनी मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि लिटिल फिंगर यदि आपकी छोटी है तो लापरवाह व्यक्तित्व तो होता है ऐसे लोगों का। आप किसी को समय देते हैं बट समय पे आप पहुंच नहीं पाते हैं, समय पे आप वहाँ पे या जा नहीं पाते हैं, ये दिक्कत होती है। मर्करी के माउंट पे स्ट्रॉन्ग लाइन्स यदि होती हैं, एक हो, दो हो, तीन हो, ये पॉजिटिव होता है, ये बताता है कि आपका जो बुढ़ापा है उसमें पैसे काफ़ी होंगे आपके पास, पैसे की कमी नहीं होगी ओल्ड एज में। यहाँ स्टार्टिंग में तो अभी है, लेकिन 37 के बाद से अले जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, पैसे के मामले में आप भाग्यशाली होते चले जाएंगे। पिक क्लियर नहीं है, नहीं तो साइन वगैरह तो काफ़ी होंगे हाथ में, बट क्लियरली विजिबल नहीं है तो कुछ भी बताना। जो साइन मुझे क्लियरली विजिबल होते हुए दिखाई देंगे मैं बस उसका जिक्र करूँगी, जो नहीं मतलब दिख रहे हैं बट मैं श्योर नहीं हूँ मैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करूँगी। हो सके तो पिक भेज दीजिएगा मुझे, अगर साइन दिखेंगे तो मैं बता दूँगी। हॉटलाइन आपकी उंगलियों की तरफ शिफ्ट हुई है, जिस वजह से माउंट्स के स्पेस में कमी आई है। कुछ पिक्स में नहीं लग रहे हैं बट हाँ, जो फ्रंट से लिए गए हैं उस पिक में मुझे फील हो रहा है कि स्पेस कम मिल रहा है इन पर्वतों को, और इन पर्वतों के स्पेस में यदि कमी आ गई तो ऑब्वियस सी बात है ये आपकी इनिशियल लाइफ में आपको बहुत स्ट्रगल करवाती है। छोटी से छोटी सफलता को पाने के लिए दूसरों की तुलना में आपको मेहनत बहुत करनी होती है। माइंड लाइन का हाल देखिए, आप क्या हालत है, एकदम से टूट टूट के आगे बढ़ रही है और फैल गई है। इस माइंड लाइन के साथ यदि मैं आपको ये कहूँ कि आप बहुत सफलता पाएंगी 37 से पहले, तो नहीं, मुश्किल है, क्योंकि ये बता रहा है कि संतुष्टि नहीं है, काम से संतुष्ट नहीं है आप। 37 के बाद ही आपको बड़ी सफलता मिलेगी, उससे पहले नहीं। इनमास वीक है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इसीलिए खान पान का विशेष करके आप ध्यान रखिए, हेल्थ इश्यूज आने के पूरे चांसेस हैं। और हो सके तो सैटरडे को हनुमान चालीसा का या मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मून माउंट हल्का सा भी नीचे की तरफ यदि ढलान ले लेता है
जीवन में 3 से 4 साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो वक्त कभी दोबारा दिखाई ना दे, इतना बुरा जाता है। साइन नहीं दिख रहे हैं इसीलिए आप क्लियर पिक भेज दीजिएगा। कुछ जो साइन रह गए हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि होंगे, जो मैं फाइंड नहीं कर पा रही हूँ पिक्चर के ब्लर होने के कारण, आप 1 या 2 पिक क्लियर भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगी। 16 में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में आई होगी और उसके बाद से ही आपके लाइफ लाइन पर ये यव की आकृति बन गई है। और लाइफ लाइन पर यदि यव की आकृति बन जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि जीवन दिशाविहीन हो जाती है, जीवन को दिशा बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है। अब जीवन तो जी रहे होते हैं बट उस जीवन का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो 16 के बाद से लेकर के लगातार 24 तक लाइफ आपकी कह सकते हैं कि कोई डायरेक्शन नहीं है, जीवन को दिशा नहीं है। एक नई दिशा मिली, उस पिक के माध्यम से एनालिसिस कर पाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि पूरी तरह से वो ब्लर हो गया था। अभी 16 में आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये राहु का कट है। ट्वेंटी थ्री एंड हाफ से ही जीवन को दिशा मिल रही है। ट्वेंटी नाइन शादी हुई। 31 में मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है बट क्योंकि क्लैरिटी अच्छी नहीं है पिक्चर की तो समझ भी नहीं आ रहा है कि ये किस तरह की समस्या है, प्रॉब्लम है, बट हाँ प्रॉब्लम तो शो हो रही है। ये 31 एंड हाफ 32 की लगभग ये प्रॉब्लम है। ये 37 से ही आपके जीवन को दिशा मिली है, इस बीच में लाइफ लाइन है ही नहीं। और 32 से यानी 31 एंड हाफ से लेकर के 37 तक लाइफ लाइन ही नहीं है। और जब आपके हाथ में लाइफ लाइन का अभाव हो, एकदम से टूट टूट करके लाइफ लाइन आगे बढ़ रही है, फैल गई है, ये बताता है कि आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। आप जीवन जी रहे हैं बट प्रॉब्लम्स की वजह से, या हो सकता है कि आप अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं हैं, इस वजह से आप जीवन का सही से आप लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, झंझट हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जहां आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप सुकून से भरा हुआ जीवन है। तो यहाँ पे सुकून की कमी होती है या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। लेकिन 37 से एक मैजिकल चेंज आ रहा है, यहाँ तक आपकी लाइफ जैसी भी है यहाँ से बहुत अच्छा चेंज आ रहा है। और लगातार इसके बाद से ऑफशूट्स हैं, अपवर्ड ब्रांचेस हैं, आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है 37 तक, ठीक है। 37 तक तो एकदम फोकस रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। 37 के बाद चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ नहीं है और लाइफ काफ़ी स्मूथ है और बहुत ज़्यादा तरक्की है। तो मैजिकल चेंज आपके जीवन में आने जा रहा है 37 से। और यदि मैं आपकी लक लाइन को देखूं तो यहाँ पर 36 के आसपास इन्वेस्टमेंट है, आपने पैसे लगाए हैं और यहाँ से एक अच्छी सी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। अभी आप जहाँ भी कमाई कर रही हैं, मतलब जहाँ भी आप काम कर रही हैं या जितनी भी आप कमाई कर रही हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बचत कर पा रही हैं क्योंकि खर्चे बहुत हैं। लेकिन 37 से एक तो आपकी इनकम भी बढ़ रही है और आप की लक लाइन में ऑफशूट है तो आप बचत बहुत अच्छे से कर पा रही हैं, यानी इनकम आपकी अच्छी खासी है 37 से। तो आपका भाग्योदय 37 से होगा, उससे पहले मुश्किल है। अपने हाथ की एक अच्छी सी पिक भेजिए, कुछ साइन है जिसको डिस्कवर करना मुझे ऐसा लग रहा है कि छूट गया है, छूटा नहीं है इनफैक्ट, क्लैरिटी नहीं है तो कुछ भी बताना जल्दबाजी होगी। आप अपने हाथ की क्लियर पिक भेज दीजिएगा, जो भी साइन, जैसे कि मुझे यहाँ पर इतना बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है बट मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे ये ब्लर भी लग रहा है, हो सकता है ब्लर हो सकता है इल्यूज़न हो। तो इसको क्लियरली मुझे समझने के लिए एक अच्छी पिक चाहिए, अदरवाइज़ आपके सभी सवालों का जवाब मैं आपको अब देने जा रही हूँ। आपने कहा है कि अभी आप प्राइवेट जॉब कर रही हैं,
देखिए, जॉब आपको कंटिन्यू करना है, ये आपका खुद का, मतलब इसको मैं क्या बताऊँ, इट्स योर कंफर्ट। लेकिन जॉब के माध्यम से या फिलहाल अभी बहुत बड़ी तरक्की की उम्मीद आप मत रखिएगा, क्योंकि बड़ी तरक्की या बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में आएगा वो 37 में आएगा। यदि आपके सपने बड़े हैं तो वो 37 से कंप्लीट होते हुए दिखना है, उससे पहले ठीक है, जितनी कमाई आप करेंगी उसी के बराबर खर्चे भी होंगे। जी हाँ, यदि आप बिज़नेस करना चाहती हैं तो आप बिल्कुल बिज़नेस कर सकती हैं। आपको किस तरह का बिज़नेस करना चाहिए, इस सवाल का जवाब मैं तभी दे पाती हूँ जब मैं न्यूमरोलॉजी किसी का करती हूँ, यानी पाम एनालिसिस मैंने किया, फिर मैंने न्यूमरोलॉजी किया, फिर दोनों आंकड़ों को मैंने बिठाया, उसके बाद, उससे पहले नहीं बता सकती कि आपको किस सेक्टर, मतलब किस तरह का बिज़नेस करना चाहिए। यदि हाथ के बेसिस पे बताऊँ तो वो काफ़ी नहीं है, उसके लिए न्यूमरोलॉजी आवश्यक हो जाती है। उसके बाद है कि आपके सेकेंड चाइल्ड की बात की है, उसके लिए मैंने पहले भी बोला है कि क्लियर पिक मुझे चाहिए, और कहाँ की चाहिए वो मैं बताती हूँ। मुझे यहाँ की एकदम क्लियर पिक चाहिए आपके हाथ की, तभी मैं बता पाऊँगी, और हो सके तो पूरी हथेली की क्लियर पिक भेजिए, हल्की सी भी ब्लर नहीं होनी चाहिए। मैं आपको सैम्पल पिक दिखाती हूँ, आप एक बार समझिए कि मुझे कैसी पिक चाहिए। आप इस हथेली को देखिए, यदि आप इसको जूम इन भी कीजिएगा तो एक भी साइन ऐसा नहीं है जिसको मैं डिस्कवर नहीं कर सकती, और यदि मैं आपके पिक को जूम इन करती हूँ तो वो भी दिखिए। इस पिक को मैंने ज़्यादा जूम इन नहीं किया है, हल्का सा किया है, आप देखिए यहाँ का पूरा पार्ट ब्लर हो गया, ठीक है। अब इस पिक को देखिए, ये तो पूरा ब्लर पहले से ही है, बाकी सभी पिक्स आपके ब्लर हैं, सभी जितने भी हैं सभी। तो साइन को समझ, इसको भी देखिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, नज़दीक आते ही गायब हो जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन शो नहीं हो रहे हैं, तो कुछ भी बताना वो सही नहीं होगा। जी हाँ बिल्कुल, 37 से आप जितना, मतलब प्रॉपर्टी लेना, घर लेना खुद का, ये बहुत बड़ी डील नहीं है आपके लिए। 37 से अचानक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और पैसे की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल अभी आप बचत नहीं कर पा रही हैं, लेकिन उसके बाद अगर मैं ये कहूँ, फिलहाल अभी आप एक पिक भेजिए, उसके बाद शायद आपके हाथ में करोड़पति बनने के भी साइन हैं, बट मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन केतु पे बन रहा ये तल काफ़ी कुछ डिस्कवर कर रहा है, यानी आप अमीर तो बहुत होंगी। हाँ बिल्कुल, आप सक्सेसफुल इंसान बन रही हैं, और 37 से बन रही हैं। जुपिटर का माउंट स्पेस काफी लिए हुए हैं, तो तरक्की तो अच्छी खासी मिलेगी आपको। मुझे ऐसा लग रहा है, क्लियरली विजिबल तो नहीं है, लेकिन हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ पार्टनर, यदि ये डाउन, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है आपका मैरिज लाइन, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, तब लाइफ पार्टनर आपकी डोमिनेटिंग होंगी। यदि लाइफ पार्टनर आपकी डोमिनेटिंग होंगे तो मैरिज लाइफ बहुत अच्छी आपकी नहीं रहने वाली है, क्योंकि आपका भी व्यवहार वैसा ही है, डोमिनेटिंग ही है, तो एक म्यान में दो तलवार वाली बात हो जाएगी। बाकी एक पिक आप भेज दीजिएगा, आज के लिए बस इतना ही, बस मुझे साइन देखने, अदरवाइज 37 या जो भी मैंने बताया है उसको लेकर के मुझे कोई डाउट नहीं है, अगर होता तो मैं नहीं करती एनालिस। हाँ बस मुझे ये देखना है कि कोई साइन यदि छूट गया है तो मैं बता दूंगी खास कोई साइन। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय।